हेलो दोस्तों, माय ब्लॉग में आपका स्वागत है। आप लोग वीडियो पर बने रहिए। वीडियो ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये जो टेंपल, यहीं पर जो हजारों साल पहले मार्केट लगता था, जब बालेश्वरी में और हनुमान जी का जन्म हुआ था उसी टाइम, यही जो खम्भा दिखाई दे रहा है उसी जगह पर मार्केट लगता था। वहाँ पर बोर्ड अभी भी है। अब आप वीडियो पर बने रहिए, वीडियो लास्ट तक देखिए। यहीं पे मार्केट लगता था और यहीं से हजार साल पहले, और यहीं से लोग, राजा महाराजा लोग यहीं से मार्केट करते थे। यहाँ का नज़ारा अच्छा लगता है। और जो ये सामने दिखाई दे रहा है उसमें बर्तन भी है, जहाँ पर खाना वाना राम लक्ष्मण जब आए थे। तो हेलो दोस्तों, यहाँ पर आदमी जो यात्री लोग यहाँ पर मन्नत मांगते हैं, जो मन्नत मांगते हैं वो इससे वो कपड़ा में पत्थर बांध के पेड़ पर टांगना पड़ता है। बरगद का पेड़ है, पेड़ पर टांग देने के बाद वो मन्नत पूरी हो जाने के बाद वो कपड़ा आके फिर खोलना पड़ता है। और जो कोई लोग और यात्री जो लोग है वो पत्थर एक पे रखना पड़ता रखता है वो लोग एक एक पत्थर रखने के बाद चल जाते हैं, और मन्नत पूरा होने के बाद वो पत्थर फिर आके उतार देते हैं। ये बरगद की ही खासियत है। यहाँ पर वो बोर्ड भी है, लिख रखा है मन्नत जो मांगेगा वो कपड़ा में पत्थर बांध के बरगद पे टांगना पड़ेगा, और टांगने के बाद मन्नत पूरा हो जाने के बाद वो कपड़ा जब आने के बाद एक साल दो साल जब जो मौका मिले जब आने के बाद वो कपड़ा खोल देना है पत्थर के उसके बाद आ जाना है। और चलिए आगे चलते हैं। ये जो गाड़ी दिख आप लोग देख रहे हैं, ये गाड़ी ये एक मंदिर से दूसरा मंदिर पहुंचाता है। ये गाड़ी गवर्नमेंट द्वारा गाड़ी है। एक टेंपल से घूमने के बाद दूसरा टेंपल पर ले जाने के लिए वो भी पैसा लेता है, चार्ज लेता है, फ्री में ले जाता है। और यहाँ पर लाइन लगता है, सीरियल नंबर से लाइन में ये टेंपल घूम कर वो टेंपल पर जाने के लिए इस गाड़ी पर बैठना पड़ता है। और जाकर उधर ले जाकर उतार देगा, और उतारने के बाद फिर आ जाते हैं। आ जाने के बाद देखिए लंबा लंबा इधर लाइन लगा है, और हम लोग तब जा रहे हैं। देखिए लाइन देखिए कितना लंबा है, ये लाइन लंबा लगा है। और जो गाड़ी आएगा इस लाइन से बैठना है, झगड़ा वगैरह नहीं करना है। ये लाइन से सीरियल नंबर से बैठना है, फिर ले जाएगा, छोड़ देगा, फिर आएगा, फिर बैठा कर ले जाएगा। ऐसे ही होता है, ये इधर से बैठना पड़ता है सीरियल नंबर से। एक टेंपल है इधर से घूमने के बाद, वो एक ही टिकट 60 रुपये लगता है टिकट। टिकट इधर मंदिर से घूमने के बाद नेक्स्ट आपको अगला वीडियो में उसको दिखाएगा मंदिर का। नेक्स्ट वाला वीडियो में आप लोग का वो मंदिर दिखाएगा जो 60 रुपये लगता है।
पत्थर बांधना पड़ता है और बांधने के बाद रास्ता में पड़ता है, आने में और जाने में दिखाई देगा। और यही पत्थर है, पेड़ है बरगद का, उसमें मन्नत मांग कर उस पर पत्थर बांधना पड़ता है और मन्नत पूरा हो जाने के बाद पत्थर लाके खोलना पड़ता है। यही रीति रिवाज है ये उधर का। और आप लोग वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को फुल वॉच करिए और आप लोग का पूरा समझ में आ जाएगा। और ये आगे में आप दिख रहे यही पर जो पहले मार्केट लगता था वो राजा लोग था, जब बाली सूर्य बहुत पहले का 1000 साल पहले तो यहीं पर मार्केट लगता था। चलिए आप लोग आगे दिखा रहा हूँ, अभी आप लोग वीडियो को बना रहिए, फुल वॉच करिए, शुरू से लास्ट तक देखने पर मालूम हो जाएगा आप लोग का। यही आगे है, ये भी तो सब किला है राजा का। और आप वीडियो को बना रहिए, लास्ट तक वीडियो को देखिए, फुल वॉच करने पर मालूम हो जाएगा। देखिए छोटा छोटा मंदिर है जहाँ पर हनुमान जी और राम लक्ष्मण से भेंट हुआ था, वही जगह है वो। ये भी छोटा छोटा किला है। और ये जो बतला वही है जो मार्केट, यहाँ पर मार्केट लगता था उन लोग का जमाने के लिए। देखिए खामा है बीच में, जो खामा गड़े है यहीं पे मार्केट लगता था चारों तरफ, और यहीं पर उन लोग मार्केट करते थे राजा लोग। यहाँ पर बोर्ड भी टांगा है, बोर्ड का सीन नहीं है मगर ये बोर्ड है इधर पे, उधर बोर्ड पर बताया है तो यहीं पर मार्केट लगता था उन लोग का। और फुल वॉच करने तो आप लोगों का मालूम समझ में आ जाएगा। आप वीडियो बन रही है लास्ट तक देखिए। और जो बड़ा वाला मंदिर दिखाई दे रहा है यही मतंग ऋषि पर्वत है, यही पर सुग्रीव रहता था मतंग ऋषि के पास। जो बाली यहाँ पर नहीं चढ़ता था, वो शराब बाली दी मतंग ऋषि शराब दे देता था, इसलिए जो चढ़ेगा वो भस्म हो जाएगा, इसलिए बाली नहीं। वो सामने जो मंदिर दिखाई दे रहा है वही हिल पहाड़ दिखाई दे, वही मतंग ऋषि पर्वत है। और ये नदी त्रिवेंद्रा नदी डैम है ये, और विरूपाक्ष टेम्पल है उसका अलग। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब कर दीजिए उसको, वीडियो आगे आपको मिलता रहेगा। तो वीडियो सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए अपन।